बुद्ध धर्म के अंदर बोला जाता है नमो तस्से भगवतो अरहतो संभो संबोधस्य, तो इसका क्या महत्व है और हर एक नेक शुभ कार्य को करने से पहले इसको क्यों उच्चारण किया जाता है उसके बारे में बताएं। नमो तस्से भगवतो अरहतो संभो संबोधस्य, इसका महत्व ये है, मैं तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध को जो अरहत हुए हैं उनके लिए नमस्कार करता हूँ 3 बार जी। फिर बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण, 3 शरण है जी। और तीनों शरण को 3 बार ही बोला जाता है जी। और 3 ही बार क्यों बोला जाता है जी। हम उसको पूर्ण रूप से, पाली भाषा को पूर्ण रूप से समझ लें जी। क्योंकि हम बोलते हैं कुछ और उपासक बोलते हैं कुछ जी। तो उसको बराबर समझना चाहिए जी। और समझने के, क्योंकि एक बार में नहीं आता है, दूसरी बार में नहीं आता है, तीसरी बार में तो आ ही जाए जी। तो ये महत्व है और इसको 3 शरण है और पंचशील है जी। पंचशील की अभी व्याख्या बंते जी ने बताई थी जी, 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 मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं थोड़े ही शब्दों में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पंचशील हमें सबसे बड़ा यही धम्म है जी। मैं धम्मशील ही है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अधिकतर किसी भी कार्य को संपन्न होने के बाद 3 बार साधु 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 कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है साधु साधु साधु, वो बताएं। 3 बार साधु कहते हैं जी, अच्छा है जी, जो आपने अच्छा कहा है मैं भी कहता हूँ अच्छा है और इसे मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इसका ये अर्थ है जी। नहीं है कि जो साधु साधु कह दिया, नहीं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि मैं स्वीकार करता हूँ जी। मैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।